बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज मैंने सोचा एक बहुत ही मज़े की क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, जिसको कहते हैं चिकन पास्ता। अच्छा, वैसे तो चिकन पास्ता हर कोई अपने तरीके से बनाता है, डिफरेंट तरीके से, लेकिन जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ईजी है। आपको भूख लगी हुई है, आप इसको 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पास्ते के जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारे लिए पास्ता है। उसके बाद मैंने ये देख सकते हैं सैलड रेडी कर लिया था, जिसमें प्याज है, खीरा है और शिमला मिर्च है। और इनको मैंने 10-15 मिनट के लिए पहले से काट के वॉश कर दिया था कि अच्छी तरह से ये फ्रेश हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये चिकन रेडी किया था, ये देख सकते हैं आप। इसको मैंने चिकन टिक्का मसाला लगा के रेडी किया था। तो इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है। तो मेरे पास अवेलेबल था जस्ट थोड़ा सा गाया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने यूज़ करना है योगर्ट, दही, ठीक है, तकरीबन 2 स्पून ने इस्तेमाल किया इसमें। उसके अलावा हमारे पास है मेयोनीज, तो मेयोनीज भी देख सकते हो आप, 1 और 2 स्पून। इसके अलावा हमारे पास है जी डबल क्रीम, ठीक है। तो आपके पास अगर सिंगल क्रीम भी है तो आप यूज़ कर सकते हो, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इनको अच्छे तरह से मिक्स करना है। आपकी मर्जी है, आप इसमें कोई भी मसाला ऐड कर सकते हो, लेकिन बेस्ट मसाला जो इसके लिए है वो है सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा नहीं, और ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जस्ट फॉर टेस्ट। तो इसमें मिक्स कर लूँ, ठीक है। जी मज़ेदार सा क्रीमी पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। अभी लास्ट चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वो है चिकन।
करते हैं।